मारो तुम्हारे फोन पे। मैं कह रहा बैटरी लो, ऐसे बैठा नहीं ले। आपको तो ये दिख रहा होगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा वतन है। मैं यहाँ जो आई हूँ हम सब के हक के लिए आई हूँ। आप आँख खोलिए और हमें हमारा हक दिलवा दीजिए, हमें हमारा हक दिलवा दीजिए। नाइंसाफ़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर हम सब आ रहे हैं बाहर तो हर एक के हक के लिए आ रहे हैं। हम ना तो मुसलमान है कह रहे हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है और हमें हमारा हक दिलवा दीजिए। बस थैंक यू। मेरा नाम अफरोज है। हम लोग साइलेंट प्रोसेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर NRC MPR के लिए, MPR और NRC एक सिक्के के दो पहलू है। NRC बोले पहले, फिर NRP बोले, ऐसा MPR बोले, ऐसा क्यों? और शाहीन बाग के मैं औरतों को सलाम करूँगी। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो हैदराबाद शाहीन बाग बनते देरने लगेंगी। KCR साहब, आप क्या आंख खोल के बंद रख के बैठे हुए? आप उस पर फोकस करिए। नौजवान बच्चे पढ़ लिख के जो बेरोजगार है उनको नौकरियां दिलाने के लिए बात कर रहे थे आप, वो देखिए। सड़कें सही नहीं है यहाँ पर, कुछ भी, सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे आप लोग, MPR, CSA, NRC, बस यही बोल रहे आप। आप ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं दे रहे, आप गलत है, ये गलत है। आप, हम लोग आपको आगे लेके आए, आप ऐसा मत करिए। आप माँ बहने बोले, आपके माँ बहने बाहर निकल गए आज। कोई भाई और कोई बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि अपने माँ बहने बाहर निकले और रोड पे आ जाए। ये गलत है, ये गलत है। आप कुछ आप अच्छे से फैसला लीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम आफरीन है। मैं KCR सर से ये बोलना चाहती हूँ, सर आप हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमें
बहुत खुशी है कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमने आपको वोट देकर लाया है सर। हमारे वोटों का ऐसा गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये NRC NRP ये सब हटा दीजिए सर। ये अच्छी बात नहीं है कि क्यों हमको ये रोड पे क्यों लेके आए सर। हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप हर बार हमने GST लगाई आपने हर वो चीज़ की सर, हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया। तीन तलाक, नोटबंदी की सर, हर वक्त रोड पे आदमियों को लाया गया सर। हम लोग कितने बार निकलेंगे सर रोड पे, बोलिए। आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? आंख बंद करके क्यों बैठे हैं सर? आप आंख खोलिए। मोदी सरकार से है ये बात। आप बोले मैं भाई है, आप मुसलमान औरत के लिए भाई बन गए थे जब तीन तलाक के लिए बोले। अब क्यों नहीं बोल रहे आप कुछ? आपके माँ बहने बाहर रोड पे आ गए, अब क्यों खामोश है आप? अब क्यों खामोश है आप? आँख खोलिए सर। हम लोग इतने सड़कों पे उतर आए सर कि आपको ये नहीं दिख रहा सर? आप बोलिए। आप हमेशा मैं आपका मतलब आपके साथ रहूँगा। ये बातें आप झूठ मत कीजिए सर। हमारी सेफ्टी कीजिए, हमारे हक दीजिए सर, बस और कुछ नहीं। इंद्र कुमार, ये NRC के खिलाफ जो सारे देश में जो आंदोलन चल रहा और खास करके जो शाहीनबाग के जो महिला और बहादुर लड़ाई जो लड़ रहे, उनके लड़ाई को मदद करने के लिए यहाँ के हमारे राजेंद्र नगर एरिया के महिला लोग कम से कम 25-30 दिन हो गया अपन कहते हुए 25 दिन से यहाँ पर डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं इस अवसर पर ये बात करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर दोनों एक बात कह रहे हैं, NRC किसी से खींचने के लिए NRC लागू नहीं हो रहा। NRC देने के लिए हम NRC लाए, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसी तरह से हमारे अफगानिस्तान की से जो लोग आना चाहते हिंदुस्तान को, वो लोगों को NRC देने के लिए। अगर NRC आपको देने का है तो ये तंदाना क्या चल रहा पूरा देश के अंदर? आज केरला का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है NRC के खिलाफ रिजर्वेशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजाया, उसी तरह से केरला गवर्नमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी, और उसी तरह से जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के CM है वो भी कल रिजर्वेशन पास करा। जब NRC से हमको खतरा नहीं है तो हमको खतरा नहीं, जब लोग ये चीफ मिनिस्टर असेंबलियों के अंदर रिजर्वेशन पास करने का मतलब क्या है? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मनोवादी सरकार है और ये हिंदू राज बनाने का इन लोगों का मकसद है। मैं लोगों को साफ शब्द में कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये सोशलिस्ट कंट्री है। ये हम लोग डिक्लेयर कर लिए स्वयं, जब हिंदुस्तान को आज़ादी आया, हिंदुस्तान को आज़ादी हुई जब हम लोगों ने ये डिक्लेयर किए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म वाले इस देश के अंदर सभी एक ही बराबर हक के साथ जी सकते, मंदिर बना सकते, मस्जिद बना ले सकते, चर्च बना ले सकते, ये जो हक अधिकार हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर मोदी सरकार को इतनी हिम्मत है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप कदम लो, हम देखेंगे, तुम जो भी कर लेना चाहते कर लो, लेकिन उतनी हिम्मत सरकार को नहीं है। आज सरकार परेशान में और प्रेशर में है, वो लोग बोल रहे भाई NRC हम लोग आम लोगों के लिए नहीं कर रहे, ये गलत लोगों का प्रोपागंडा कर रहे, लोगों को बहका रहे, बोलेगा जो प्रोपागंडा कर रहे। और मैं खास करके मैं बोल रहा हूँ इस आंदोलन को मजबूती के साथ करना, और मेरा एक अपील है बस्तियों में कंपलसरी ये NRC के खिलाफ कमिटीज डालेंगे, मोहल्ला कमिटीज डालने से लोगों में हिम्मत आता और लोगों को समझ में आता, हम लोग कुछ बोल सकते, कुछ डिस्कशन कर सकते। इसलिए मैं अपने खास करके हमारे राजेंद्र नगर एरिया वालों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मोहरा कमिटीज लगाने की आप कोशिश करिए, और उसी तरह जो संविधान जो हमारा हिंदुस्तान का जब संविधान बना, संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक क्रिएट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट किया गया, उस असेंबली को इलेक्ट करने के लिए बाबा साहेब को माइनॉरिटीज मदद करें, माइनॉरिटीज मदद करके बाबा साहेब को कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी को इलेक्ट करके लेकर आए। आज जो आप 70 साल से इस देश के अंदर हम लोग आराम से जी रहे, आराम से हम लोग भाईचारे से है, इस 70 साल के बाद आज जब मोदी सरकार आई, आज NRC का जो मुद्दा उठाया ये बिल्कुल गलत मुद्दा है, इसके खिलाफ हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये पूरा विड्रा कर लिया तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आंदोलन हमारा जारी रहेगा, बोल के मेरा रिक्वेस्ट है।